हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। गर्ल्स, आप भी डल और डार्क डर आम की वजह से परेशान हो चुकी होंगी, लेकिन अब परेशानी की कोई बात नहीं। लेट मी टेल यू, आप अकेली नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां ये चीज़ एक्सपीरियंस करती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा मैजिकल प्रोडक्ट दिखाऊंगा जो 100% आपका ये मसला हल कर देगा। मैंने किसी लोकल ब्रांड में, मुझे नहीं लगता, इस तरह की प्रोडक्ट देखी है। तो फाइनली बाली स्किन ने लॉन्च कर दी है अंडर आर्म सीरम फॉर प्राइवेट पार्टी। इस प्रोडक्ट को मैं आपको करीब से दिखाता हूं, लेट मी शो यू। यह आपकी अंडर आर्म को लाइटन और ब्राइटन करता है। किसी भी किस्म के दाग हो, धब्बे हो, निशान हो, पिगमेंटेशन हो या डार्कनेस वाला एरिया हो, उसको ख़त्म करता है। आपकी ओरिजिनल स्किन को ये वापस लेकर आता है, आपकी बैड ओडोर को कंट्रोल करता है और आपको अच्छी फ्रेग्रेंस भी प्रोवाइड करता है। ये 2-in-1 प्रोडक्ट है। अगर मैं इसकी पैकेजिंग की बात करूँ तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी, ये बॉटल है और ये प्लास्टिक कलर की बॉटल में है। So, इसकी जो कैप है वो भी ट्रांसपेरेंट टाइप सी है और इसके साथ इसका ये पंप है। जब आप इस पंप को प्रेस करेंगे तो प्रोडक्ट बाहर आएगा, तो इट स्मेल्स सो गुड। इसकी एप्लीकेशन की बात करूं तो इसकी एप्लीकेशन भी सुपर इजी है और आप इसे क्लीन सरफेस पर इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात ये कि आई विल प्रेफर कि आप इसे आफ्टर शावर के बाद अप्लाई करें और इसको अप्लाई करने का तरीका बहुत ही ईजी है। आप इसे कॉटन पैड की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं या आप इसे डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसे रात में लगाएंगे तो पूरी रात आप अच्छा फील करेंगे। और अगर मैं इसकी लॉन्ग लास्टिंग की बात करूं तो इसकी जो लॉन्ग लास्टिंग है वो 24 आवर्स है। प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है। वो कहते हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका, सेम वैसा ही है ये प्रोडक्ट। ट्रस्ट मी गाइज, आप इसे एक दफ़ा यूज़ मस्ट कीजिएगा। मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है। सो जस्ट गो एंड बाय इट। प्राइस की बात करूं तो इसकी प्राइस जो है वो 1850 है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। और इसका जो लिंक है वो मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। इस उम्मीद के साथ कि आप भी अपना बहुत ख्याल रखेंगे और मुझे नेक दुआओं में याद रखेंगे। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।